हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शिवांगी एजुकेशन में। और आज का अपना टॉपिक है मेल यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ रैट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये 6.5 या फिर 7 नंबरों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। इसका मेल भी इम्पॉर्टेंट है और ये फीमेल भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल पढ़ेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम मेल पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं, यूरिनोजेनिटल सिस्टम पढ़ रहे हैं। जो यूरिनोजेनिटल सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है 2 सिस्टम, यानी कि 2 सिस्टम से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसको यूरिनरी सिस्टम कहते हैं, एंड सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको जेनाइटल सिस्टम कहते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आप इन दोनों ही सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे, तभी जाके पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो हम एक्सक्रेटरी सिस्टम पहले पढ़ते हैं, इसका पहला पार्ट। तो जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसके भी फॉलोइंग पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज किडनी। जो किडनी होती है वो पेयर्स में होती है, यानी कि जोड़े में होती है। किडनी का रंग जो है वो डार्क रेड कलर का होता है। ठीक है, किडनी कैसी होती है, डार्क रेड कलर की होती है, और इसकी जो शेप होती है वो बीन शेप की होती है। और जो किडनी है वो रैट की प्राइमरी एक्सक्रेटरी सिस्टम होती है। ये वाला साइड है लेफ्ट और ये वाला साइड है राइट। जो लेफ्ट किडनी है वो छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू राइट किडनी। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे किडनी से नीचे थोड़ा सा आ जाओ तो क्या है, यूरेटर्स। यूरेटर्स जो है वो लंबी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि ट्यूबुलर होती है, जो हिलम से यूरिनरी ब्लैडर तक फैलती है। ठीक है दोस्तों, जो हिलम से यूरिनरी ब्लैडर तक फैलती है। अब इसी का तीसरा पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर। एक्सक्रेटरी सिस्टम का तीसरा पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर की वाल होती है, यानी कि इसकी दीवार होती है, वो पतली होती है और इसकी शेप पियर जैसी होती है। ठीक है दोस्तों, यूरिनरी ब्लैडर की जो वाल होती है वो पतली होती है और इसकी शेप पियर जैसी होती है। और ये यूरेथ्रा, यहाँ पर है यूरेथ्रा, और ये यूरेथ्रा में खुलती है। ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये है यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा में खुलती है। ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मेल यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ रैट। अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। मेल पढ़ रहे हैं तो मेल में सबसे पहले क्या आती है, टेस्टिस आती है ना, तो हम टेस्टिस पढ़ेंगे सबसे पहले। जो टेस्टिस होती है उसकी साइज स्मॉल होती है, यानी कि छोटी होती है, और इसका शेप ओवल जैसा होता है, यानी कि अंडे जैसा इसका शेप होता है, और साइज छोटी होती है। कलर इसका लाइट पिंक कलर का होता है। ठीक है दोस्तों, और जो टेस्टिस है वो प्रेजेंट होता है, ये देखो एक थैली नुमा स्ट्रक्चर, यानी कि पाउच जैसी स्ट्रक्चर है, जिसको सेक रोटल सेक कहते हैं। ठीक है, टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सेक रोटल सेक पर प्रेजेंट होती है, और सेक रोटल एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो टेस्टिस है वो यहाँ पर है, जो ये टेस्टिस है ये है ग्यूबरनेकुलम। जो टेस्टिस होती है वो ग्यूबरनेकुलम के द्वारा सेक्रोरेटल सेक की दीवार से जुड़ा होता है। ये टेस्टिस है, ये ग्यूबरनेकुलम है, और ये है सेक्रोरेटल सेक। ठीक है, जो टेस्टिस होती है वो ग्यूबरनेकुलम के द्वारा सेक्रोरेटल सेक की दीवार से जुड़ा होते हैं। और टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को, और इसी में जो इंटरस्टियल और लीडिंग सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेल सेक्स हार्मोन को। मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो लीडिंग और इंटरस्टियल सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेल सेक्स हार्मोन को। मेल सेक्स हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद है ये है वासा डिफरेंसिया। हमने कहा ना, इस वाला ये वाला पूरा पर्शन लेफ्ट है और ये वाला राइट है। तो देखो ये जो वासा डिफरेंसिया होती है, ये लेफ्ट और ये राइट, जो वासा डिफरेंसिया होती है वो लंबी होती है, और ये यहाँ पर है
ये है एपिडिडाइमिस और ये है यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा के ऊपर से जो वासा डिफरेंसिया है वो निकलती है। तो देखो, जो वासा डिफरेंसिया होती है वो लंबी होती है और ये एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को बोलते हैं मूत्र मार्ग तक फैल जाती है। जो वासा डिफरेंसिया है वो यूरेथ्रा तक फैल जाती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम पेनिस की। ये रहा पेनिस। जो पेनिस होती है वो मेल रैट का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ठीक है। ये देखो बाहर की है ना, ये इससे बाहर है। तो जो पेनिस है वो मेल रैट का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जिसे यहाँ पर है प्रेप्यूस। जो प्रेप्यूस होता है उसको कवर करता है, किसको? पेनिस को। पेनिस मेल रैट का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है और प्रेप्यूस पेनिस को कवर करता है। अब हम बात करते हैं इसमें ग्लैंड की। ग्लैंड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेमिनल वेसाइकल्स। जो सेमिनल वेसाइकल्स हैं ये देखो बड़े होते हैं ना, ये पेयर्स यानी कि जोड़े हैं और ये बड़े होते हैं और ये सिक्रेट करते हैं सेमिनल फ्लूइड को, ठीक है दोस्तों। अभी ये जो है ये वाला, ये है काउपर्स ग्लैंड। जो काउपर्स ग्लैंड होते हैं वो यहाँ पर पेनिस है। जो काउपर्स ग्लैंड होते हैं वो पेनिस के आधार पर स्थित होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये है लेटरल प्रोस्टेट ग्लैंड और ये है वेंट्रल प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड को लोब्यूलेटेड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक प्रकार के लोब्यूलेटेड ग्लैंड है और ये यहाँ पर यूरेथ्रा है और ये यूरेथ्रा के लेटरल और वेंट्रल प्रोस्टेट, ठीक है, ग्लैंड पर स्थित होते हैं, ठीक है दोस्तों। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं वो यूरेथ्रा के लेटरल और वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों ये था मेल यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ रैट। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन।